हॉलीवुड के एक बहुत ही पॉपुलर कपल के बीच अब बहुत भयंकर झगड़ा हो रहा है। ये झगड़ा डिवोर्स तक पहुंच गया है और अब इस झगड़े में जो वाइफ है, जो कि एक बहुत बड़ी हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उसने कहा कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की है, डोमेस्टिक वायलेंस का ये केस है और मेरे पति के खिलाफ मेरे पास बहुत सारे पुख्ता सबूत है। एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट की यहाँ पर बात हो रही है, जिन्हें हॉलीवुड का वाव कपल कहा जाता है। दोनों की जोड़ी के एग्जाम्पल्स दिए जाते थे, सालों तक ये दोनों रिलेशनशिप में रहे, लेकिन 2019 में एंजेलिना ने और ब्रैड पिट ने अपना डिवोर्स अनाउंस किया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंच गया और अब बात चल रही है डोमेस्टिक वायलेंस की। एंजेलिना और ब्रैड पिट जहां अपनी मर्जी से अलग रहे, वहीं अब दोनों के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर एक लीगल बैटल चल रहा है। ऐसे में एंजेलिना जोली ने अपने पूर्व पति ब्रैड पिट पर बहुत ही चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रैड पिट उनके साथ मारपीट करते थे। एंजेलिना ने तो ये भी कहा है कि सिर्फ उन पर ही नहीं, बल्कि ब्रैड पिट का बर्ताव उनके बच्चों के साथ भी अच्छा नहीं है, वो बच्चों के साथ भी इसी तरह की हरकतें करते हैं। एंजेलिना और ब्रैड पिट ने 2014 में शादी की थी, 2019 में इन दोनों ने अपना सेपरेशन अनाउंस किया। दोनों के 6 बच्चे हैं और इन्हीं बच्चों को लेकर अब कस्टडी का ये बैटल चल रहा है। इनमें से 3 बच्चों को एंजेलिना जोली ने जन्म दिया है, वहीं 3 बच्चों को इन दोनों ने अडॉप्ट किया है। एंजेलिना का कहना है कि ब्रैड पिट अच्छे पति तो नहीं बन पाए, लेकिन वो एक अच्छे पिता भी नहीं है, बच्चों के साथ व्यवहार काफी गलत है उनका। इसके अलावा ब्रैड पिट बहुत ही दिल फेक और प्ले बॉय टाइप के इंसान हैं, उनके कहीं ना कहीं फ्लिंग्स चलते रहते हैं। एंजेलिना ने दावा किया है कि ब्रैड पिट के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं, उनके बच्चे भी इस बात के गवाह हैं कि ब्रैड पिट उनके साथ मारपीट किया करते थे। ये मामला फिलहाल कोर्ट में है और एंजेलिना अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। एंजेलिना की ब्रैड पिट से जहां ये तीसरी शादी थी, वहीं ब्रैड पिट की एंजेलिना से दूसरी शादी थी।